हिमाचल की जनता ने अनेक स्थानों पर सड़कों पर उतरकर अपने भाव व्यक्त किए हैं। हिमाचल के जनमानस ने हिमाचल में जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, उस चेंज के दृष्टिगत आंदोलन किए और उस कड़ी में वो चाहे शिमला का मामला हो, चाहे चौपाल का हो या अन्य स्थानों का हो, जब ये मामले गंभीर हैं, ऐसी स्थिति में सरकार का ये दायित्व बनता है कि सरकार ऐसे मामलों में अति शीघ्र कार्रवाई करे। जैसे जैसे मामले लंबित होते हैं, वैसे वैसे कटुता भी बढ़ती है और वास्तु स्थिति से बदलकर दूसरी तरफ जाने का प्रयास होता है। बाहर से आने वाला व्यक्ति, उसकी पहचान सही तरीके से हो और हम केवल एक मिनट में ये बात साबित करके बोल दें कि नहीं, ये सब ठीक ठाक है, तो वो उचित नहीं है। वो अनाधिकृत रूप से बनी हुई मस्जिद का विषय हो, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति आज के समय में विवादित बयान देकर भावनाओं को भड़काने का प्रयास करता है, उस विषय में भी सरकार को गंभीरता से नोटिस लेने की जरूरत है। किसी भी मामले में देरी करना और सामान्य समाज के साथ अन्याय करने के बराबर है। इसी के साथ जुड़ा हुआ विषय है कि जिन्होंने सड़कों पर उतरकर जनभावनाओं को व्यक्त किया, उनके खिलाफ तरह तरह के मुकदमे दर्ज करने का जो विषय आ रहा है, वो गलत है, वो चिंतनीय है और वो विसल ब्लोअर की संज्ञा के अंदर आते हैं। उनके प्रति अलग अलग प्रकार की धाराओं में मुकदमे दर्ज करना उचित नहीं है। सर, मंडी की सांसद है कंगना रनौत, उन्होंने एक बयान, मैं विषय पर नहीं बोल रहा हूँ। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, पूरे संगठन के संज्ञान में आया, तो तुरंत हम यहाँ पे पहुँचे हैं और हमने प्राइमरी जो हमारा कार्य था कि हमें FIR करवाएं उस व्यक्ति की, क्योंकि दुर्भाग्य की बात इस प्रकार से है कि हिमाचल प्रदेश में शिमला संजौली आप सभी ने देखा है, जो एक नींव बनी यहाँ से अवैध निर्माण की, और पूरे हिमाचल प्रदेश में जिसकी आवाज़ गूंजी, आज हर मार्केट में आवाज़ गूंज रही है कि जो अवैध है वो अवैध है, उसको हटाया जाए। उसके लिए जो यहाँ पे सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि अन्य लोगों के ऊपर जो वो उसकी गिराने की मांग कर रहे थे, अवैध की आवाज़ जो उठा रहे थे, उन लोगों के ऊपर जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने लाठियां भांजी, और उसको देखते हुए आप पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कौन है, सरकार का जमाई है कि शुएब जमाई है, मुझे नहीं पता, परंतु ये जो बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहन के यहाँ से यूपी से या हैदराबाद से स्पेशल जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का माहौल जो सौहार्दपूर्ण था, उसको बिगाड़ने का काम जो ये लोग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के पास हम लोग आए, पुलिस प्रशासन ने कहा कि हमें कोई इस चीज़ का ज्ञात नहीं था कि वो कौन व्यक्ति था। आप बताएं, कोई बाहरी व्यक्ति स्पेशली नमाज पढ़ने उस मस्जिद में जाता है, क्या ऐसी वो मस्जिद है कि उसी में ही वो अल्लाह कबूल करेगा उसकी प्रेयर को?
प्रशासन को भी देखना चाहिए कि जो मुद्दा प्रदेश में है, इतने माहौल गर्म बना है और निरंतर जिसके लिए विधानसभा में अनिरुद्ध राणा जी ने आवाज़ उठाई, उन्होंने कहा कि ये प्रदेश सरकार की जगह है, परंतु फिर भी MC जिस प्रकार से उसमें कोताही बरत रही है, दिन प्रतिदिन वो तारीख पे तारीख दिए जा रही है, परंतु कितने दिन सनातन धर्म इस आवाज़ को उठाने के लिए चला है, पूरे हिमाचल प्रदेश में पूरे भारत देश से आवाज़ आएगी, आज नहीं तो कल उसको गिराना पड़ेगा। चित में नवाज पढ़ने आए, हम नवाज पढ़ने को कोई किसी को मना नहीं कर सकते। अब उनके बारे में ना हमारे मौलवी साहब जानते थे कि कौन है, ये कौन शख्स है। जब उनने वीडियो बनाई, जब वायरल हुई तब हमको पता चला कि ये तो दिल्ली से कोई शोएब जमाई नाम का कोई आदमी है, और ये आपको पता है ये ओवैसी जी का AMI के आदमी है। उनका सबको पता कि कौन है, हमारी सरकार भी जानती है, प्रशासन जानती है कि ये जो है BJP के B team के आदमी है। इसमें बोलने कोई शर्म नहीं है। हम इनसे आग्रह करते हैं कि हमारा संजोली का, खासकर शिमला का ये माहौल को खराब मत करो। हमारा आपसी जो भाईचारा है, जिस तरीके से हमारी सब प्लेटफार्मों में बात हो रही है, हिंदू संगठनों से ही बात हुई है, सनातन वालों से ही बात हुई है कि भाई इसको बैठ के हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने तो खुद पहल की, हमारे मुफ्ती साहब है, मौलवी साहब है, हमने खुद पहल की, जिसका पूरा मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने भी धन्यवाद किया कि भाई ये बहुत बड़ा इन्होंने पहल की है, ऐसा हो अगर सब लोग सोचे तो बहुत अच्छी बात है। अब हमसे यही आग्रह करते हैं कि भाई तुम हमारा संजोली का माहौल मत खराब करो। हम जो हमारा जो चला सिस्टम, हमने खुद पहल करके जो हटाने को हम तैयार है, और बिल्डिंग का वीडियो दिखा रहे हैं, उनके तो नक्शे पास है, उनको क्या पता कि आगे क्या रूल रेगुलेशन है। जो है रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसके 5 मंजिल है, किसी के 4 मंजिल है, वो तो MC को परमिशन दी है, और हम तो बोले हमारा तो 2.5-2 मंजिल जो अवैध है उसको हम हटाने को खुद तैयार है, और उसमें उनको मैं बोलता हूँ बाहर के लोगों को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। हमने तो खुद लिख के दे दिया है। हम तो प्रशासन से भी आग्रह कर रहे हैं कि हमारे को जल्द से जल्द इसको हटाने को, कोई कानूनी पहलू है इसमें चले, और कई उन्होंने वकीलों ने भी एप्लीकेशन लगा दी कि हमारी भी सुनाई हो, ऐसा हो वैसा हो, बनी जो जो बातें होनी, तो हम तो खुद हटाने के लिए तैयार है जो अवैध है हमारा। हमारे मौलवी साहब थे वहाँ पे, इनकी जानकारी में नहीं था कि कौन है। अब जैसे नॉर्मल लोग आते हैं नवाज पढ़ने, हम तो तभी तो हमारे को इमीडिएट आप लोगों का सहयोग लेना पड़ा मीडिया का, कि मीडिया ही तो मैन है हमारे पास, बाकी तो हमने तभी तो ये पहल ली कि हम तो इसका भरपूर खंडन करते, जितना ज्यादा हो सके उससे ज्यादा हम खंडन करते कि आपको बाहर के लोगों को हमारे बारे में कोई नहीं। देखिए पिछले कल हमने जो बैठक करी थी UD की और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए, उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहां पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और ID लगाना होगा, तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना ID, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है, तो उससे ID दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पे कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। नहीं, वो तो ऑलरेडी है ना, लाइसेंस तो उनको लगाना ही पड़ता है। नहीं, जो क्या अलग से होगा वो जो लगाना होगा? नहीं, जो स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी है उसके माध्यम से, कमेटी के माध्यम से ID कार्ड्स बनाए जाएंगे और उसके ऊपर उनकी फ़ोटो, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और सब चीज़ें उसके ऊपर दी जाएगी, और उसको हमने जो है पर्टिकुलरली, मैंने अपने डायरेक्ट जो है हमारे सेक्रेटरी है उनको भी मैंने कहा है कि पर्टिकुलरली इसमें जो खाने पीने का जो स्टॉल्स लगे हैं उसके ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आपके एक मंत्री ने विधानसभा में कहा था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो केवल हिमाचली बोनाफाइड होने चाहिए, तो क्या कमेटी इस पर भी कुछ विचार करेगी? नहीं, इस पर हमने मंथन किया था, मगर ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसमें हिमाचल के लोगों को ही रखा जाए। ये ज़रूर है कि प्राथमिकता उनको दी जा सकती है, मगर क्योंकि पहले भी ऐसे कई कानून हिमाचल प्रदेश सरकार ने लाए हैं
पूर्व में भाजपा की सरकार ने भी लाए हैं, कांग्रेस की सरकार ने भी लाए हैं, मगर वो हमेशा माननीय हाई कोर्ट से जो है वो रद्द हो गए हैं। इसलिए हम ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहते जो कल को जुडिशियल स्क्रूटनी में आकर जो है वो जो है स्टे हो जाए। इसलिए हमने ये रखा है कि हम उसमें रिजर्वेशन रखेंगे। एससी एसटीज के लिए भी रखी गई है और कुछ हमारे फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी रखी गई है, जो हमारी महिलाएं हैं खास करके डिवोर्सीज है उनके लिए भी इसमें हमने प्रोविज़न रखा है। तो इस तरीके से इसको इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने बनाया है। एक बजे के करीब पहुँचे यहाँ पर और हमें ये नहीं पता था कि ये ऐसे व्यक्ति हैं, हम तो जानते भी नहीं थे। तो हमें आज इससे जब वीडियो हमने देखी उनको ये नहीं पता कि भाई यहाँ पर जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं इन सब के नक्शे पास है। हमारी जो मस्जिद है वो जो अवैध जो बनी हुई है हमने तो उसमें पहले ही कर दी है। हमारी ये मंशा नहीं थी कि जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके दिलों को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था हमारा में कि भाई हम इस वजह से उनको दिखा रहे या उनको ले गए। हमारा हमें पता ही नहीं था कि भाई वो आए क्यों, उनका मकसद क्या है और किस पार्टी से वो रखते संबंध रखते हैं। उन्होंने नमाज हो रही है मस्जिद में, नमाज के लिए किसी को ऐसा मना नहीं कर सकते। जो उन्होंने जो काम किया है उनको यहाँ की हिमाचल प्रदेश की जो हमारी प्यार मोहब्बत जो यहाँ का माहौल है उनको यहाँ के इल्म नहीं है, पता नहीं है, मगर जो उन्होंने किया उसका हमें बहुत कहने के सख्ताई के साथ खंडन करते हैं। और हम एक और बात अर्ज करना चाहते हैं, कोई भी पार्टी वाला या कोई भी ऐसा व्यक्ति, हम उनसे आग्रह करते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में कोई भी ऐसी इंटरफेयर ना करे। जो हमने फैसला लिया है वो किसी के दबाव में नहीं लिया, हमने मोहब्बत के लिए लिया, प्यार मोहब्बत के लिए। जब सनातनी भाइयों से भी हमारी बातें हो रही हैं आपस में कि हम ये एक मंच पर बैठ कर इसको यानी कि सॉल्व करें इस मसले को। आप एमपी को कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं? नहीं देखो, वो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हमने तो पहल कर दी है। अब वो तो एमसी का मामला है, जब हमें वो ग्रीन चिट देंगे कि आप ये काम कर सकते हैं तो हम स्वयं तैयार हैं उसके तो लिए। आपको क्या लगता है ये नहीं मालूम कि यहाँ हिमाचल का माहौल कैसा और हम किस तरीके से रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, वो लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो हाईकोर्ट में जाने की बात करें बड़े अफसोस की बात है। हम तो हमें एमसी आज ही वो कहते हम तो कल से उसके ऊपर जो हमने एप्लीकेशन दी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम ऐसी वीडियो तक नहीं था उनका, हमने बात क्यों करनी थी उनसे, कोई हमारे पास हमें मकसद ही नहीं समझ में आया। ऐसे बहुत सारे लोग आए मगर जो उन्होंने ये बात कही कि हम के हाई कोर्ट जाएंगे या कहाँ जाएंगे, हम तो ये चाहते हैं कि अगर हमें आज ऑर्डर कर दे एमसी जो वहाँ से ऑर्डर आएगा हम तो उसको फॉलो करेंगे।